हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वी फॉर वैकेंसी पर। दोस्तों, आज फिर एक बार बात करने वाले हैं एक और टेक्निकल वैकेंसीज के रिगार्डिंग, जो कि है एनसीआरटीसी से, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से। सो दोस्तों, यहाँ पर डिप्लोमा एज वेल एज बीएससी आईटीआई सभी के लिए जॉब यहाँ पर मौजूद है। तो चलिए बिना देर किए हम चलते हैं इसके एडवर्टीजमेंट के ऊपर। सो ये रहा हमारा दोस्त एडवर्टीजमेंट। सो दोस्त, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्त, यहाँ पर जो डेट मेंशन है वो 11th ऑफ सितंबर यानी कल की डेट मेंशन है। सो दोस्त, यहाँ पर ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होने वाली है दोस्त, तो वो है यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 15th ऑफ सितंबर सुबह 10 बजे से, और जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 11:59 तक, यानी कि रात्रि 12 बजे से पहले पहले आपको कर लेना है। सो दोस्त, लास्ट टाइम के रश से बचने के लिए आप पहले ही अपना जो भी है रजिस्ट्रेशन वगैरह आप कर लो। सो चलिए, काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। चलिए हम बात करते हैं कितनी वैकेंसीज़ और क्या है, और सैलरीज़ के ऊपर भी। सो चलिए दोस्तों, सो दोस्त ये है हमारा डिप्लोमा पोस्ट के लिए रिगार्डिंग में। ये जो हमारा है दोस्त, यहाँ से यहाँ वो सारे डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं। तो बात करते हैं दोस्त मेंटेनेंस एसोसिएट मैकेनिकल की, यानी कि मैकेनिकल वाले बंदे डिप्लोमा इन मैकेनिकल जिन्होंने कर रखा है क्वालिफिकेशन 3 ईयर्स का डिप्लोमा, वो एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। यहाँ पर जो पोस्ट है दोस्त वो दो है अनरिजर्व के लिए सिर्फ, यहाँ पर कोई और कैटेगरीज़ के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दो अनरिजर्व। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करते हैं दोस्त, तो ये अनरिजर्व में 28 साल है। बाकी जैसे आपको पता होगा एज रिलैक्सेशन का, कि ओबीसी के कैंडिडेट्स को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है और एससी एसटी के 5 साल, तो यानी कि इसमें आप ऐड करके अपना देख सकते हो। सो चलिए दोस्त, आगे बात करते हैं मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रिकल की। तो यहाँ पर 36 सीट्स हैं, काफ़ी अच्छी सीट्स हैं दोस्त, और बाकी एज रिलैक्सेशन बाकी सेम है, मैक्सिमम एज लिमिट भी, और यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है वो 3 ईयर्स का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। दोस्त बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो 22 है, इस तरीके से मैक्सिमम एज लिमिट भी 28 है, और 3 ईयर्स का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होना चाहिए। मेंटेनेंस एसोसिएट सिविल की बात करते हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 2 सीट है यहाँ पर, और 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का यहाँ पर होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं दोस्त आगे प्रोग्रामिंग एसोसिएट से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्त। सो जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3-4 सीटें हैं, जो कि सिर्फ आईटी वालों की, आईटी कहने का मतलब इंट्रोडक्टरी, यानी कि जिन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि कंप्यूटर ले रखा है, 3 ईयर्स का डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, बीसीए या बीएससी इन आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर से जिन्होंने किया है। सो दोस्त आगे बात करते हैं दोस्त इलेक्ट्रीशियंस की, यानी कि आईटी वालों का यहाँ पर जो है दिख रहा है हमें, टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं दोस्त। तो यहाँ पर 43 नंबर ऑफ सीट्स हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं दोस्त। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करते हैं, अनरिजर्व के लिए 25 है, ओबीसी के लिए 28 है, और एससी एसटी के लिए 30 ईयर्स का है, जो कि काफ़ी अच्छा है दोस्त। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आईटीआई होना चाहिए, एनसीबीटी या एससीबीटी यानी स्टेट लेवल, या तो फिर नेशनल लेवल का आईटीआई सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं दोस्त, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स टेक्नीशियन की। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 27 है, मैक्सिमम एज लिमिट वैसे ही सेम है दोस्त सभी के लिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो आईटीआई एनसीबीटी एससीबीटी सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स ट्रेड का होना चाहिए। दोस्त बात करते हैं टेक्नीशियन एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन की। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर ऑफ सीट है, जो कि अनरिजर्व के लिए। मैक्सिमम एज लिमिट वैसे ही सेम है एज इट इज़। तो ये था दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं सीरियल नंबर 9 की। तो टेक्नीशियन फिटर की बात करते हैं दोस्त, यहाँ पर फिटर में 18 सीट्स हैं दोस्त, जिसमें मैक्सिमम एज लिमिट 25 है, और आईटीआई और एनसीबीटी और एससीबीटी सर्टिफिकेट इन फिटर ट्रेड का होना चाहिए इनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन। दोस्त बात करते हैं टेक्नीशियन वेल्डर की। तो यहाँ पर अनरिजर्व के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 है सीट, और जो कि इस तरीके से वेल्डर ट्रेड का आपके पास आईटीआई को सर्टिफिकेट होना चाहिए एनसीबीटी या फिर एससीबीटी से। लास्ट वन की बात करते हैं दोस्त, जो कि है स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर और ट्रैफिक कंट्रोलर, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जिसमें जैसे कि आप दोस्त देख रहे होंगे यहाँ पर मेंशन, इसमें दोस्त टोटल नंबर सारे मर्ज हैं सीट्स। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीट दिख रहा होगा आपको 67, क्योंकि ये सारे स्टेशन कंट्रोलर हो या ट्रेन ऑपरेटर हो या ट्रैफिक कंट्रोलर, सारे का इसमें मर्ज है। तो इसमें दोस्त कौन कौन लोग एलिजिबल हैं इसके लिए, तो जैसे कि देख रहे हैं आप, 3 ईयर्स का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विवेलेंट और बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जिन्होंने कर रखा है, वो सारे लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। और मैक्सिमम एज लिमिट जो है दोस्त इसमें सबसे ज़्यादा है, जो कि अनरिजर्व के लिए 28 ईयर्स का रखा गया है। इस तरीके से ओबीसी की बात करें अगर इसमें, तो 31, और एससी एसटी के लिए 33। बाकी जो दोस्त मैंने एज रिलैक्सेशन का था जो मैंने बता दिया है, इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्त कुछ बोल्ड लेटर में यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन नोटिस कुछ इन्फॉर्मेशन हैं उनके रिगार्डिंग।
सो दोस्त जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्त यहाँ पर, दोस्त आपका जो भी एक्सपीरियंस या जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 11th सितंबर कट ऑफ डेट रखा गया, उससे पहले तक में काउंट, इस तक में काउंट होगा, इसके आगे में काउंट नहीं होगा। तो आपका जो भी है वो आप यहाँ के कट ऑफ डेट में आप ऐड कर सकते हो, अपना एक्सपीरियंस हो या फिर कोई भी चीज़ है। सो दोस्त बात करते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ S1, S2, S5 and S11 यानी कि डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जो भी सीट्स हैं ऊपर, और 11 यानी कि स्टेशन कंट्रोलर के लिए जो भी था यहाँ पर, उनके पास अगर हायर क्वालिफिकेशन है तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, वो भी उस चीज़ के लिए एलिजिबल है। यानी कि अभी जैसे कि हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में देखा है जैसे कि PGCIL में, जिन्होंने डिप्लोमा के बाद अगर बीटेक बी कर लिया है तो उन्हें अलाउड नहीं कर रहे थे, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन्होंने डिप्लोमा के बाद बी बीटेक जो भी कर रखा है हायर क्वालिफिकेशन, वो मेंशन कर सकते हैं क्योंकि वो सारे एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। सो चलिए दोस्त आगे बात करते हैं इस तरीके से ITA वालों के लिए। यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं आप पोस्ट नंबर सीरियल नंबर 6 to 10 यानी कि ITA वालों की बात हो रही है यहाँ पर, तो विदाउट यहाँ पर बता रहा है ITA क्वालिफिकेशन होना चाहिए, विदाउट विच हायर क्वालिफिकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड, जिसमें हायर क्वालिफिकेशन जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर ITI के बाद किसी ने हायर क्वालिफिकेशन कंसिडर कर रखा है तो यहाँ पर कंसिडर उसे नहीं किया जाएगा। सो चलिए बाकी तो एज के बारे में मैंने बता दिया दोस्त, तो चलिए आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्त जैसे कि आप सभी को पता होगा सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर जो होने वाला है वो CBD टेस्ट बेस्ड है, उसके बाद जो होगा मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा जो कि इंडियन रेलवे मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होगा, जैसे कि इंडियन रेलवे में होता है मेडिकल स्टैंडर्ड। उसके लिए वीडियो काफ़ी सारी हैं यूट्यूब पर, आप देख सकते हो वहाँ से कि क्या क्राइटेरिया होता है। सो वो तो CBT के एग्ज़ाम के बाद होगा दोस्त, खैर अभी CBT एग्ज़ाम के बाद उस बात करते हैं। तो दोस्तों बात करें अगर सीरियल नंबर 11 की, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्त, यानी कि स्टेशन कंट्रोलर या फिर ट्रैफिक कंट्रोलर जो भी ट्रेन ऑपरेटर हैं उनके लिए, तो उनका CBT टेस्ट होगा पहला, सबसे पहले तो CBT टेस्ट होगा, उसके बाद वो क्वालिफाई करेंगे तो देन साइको होगा उनका, जैसे कि सभी को पता होगा जैसे कि सेम रेलवे में होता है वैसे ही सारा चीज़ होगा एज इट इज़। सो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें दोस्तों, यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो पहला जो एग्जामिनेशन का जो एक्सपेंसेस होगा वो NCERTC बियर करेगा। अगर उनके उसके बाद अगर किसी का प्रॉब्लम होता है, यानी कि किसी के मेडिकल में एग्जामिनेशन में अगर प्रॉब्लम हुआ है तो उन्हें कुछ टाइम दिया जाता है, तो वो जो सेकेंड टाइम होगा मेडिकल एग्जामिनेशन उसके लिए उन्हें कैंडिडेट्स को बियर करना पड़ेगा वो पैसा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एग्ज़ाम यानी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन पे करेगी। सो बात करते हैं दोस्त सिक्योरिटी बॉन्ड की, यहाँ पर जैसे कि मेंशन है तो डिप्लोमा होल्डर्स यानी जितने भी डिप्लोमा पोस्ट हैं उसके साथ साथ स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर के लिए जो बॉन्ड अमाउंट रखा गया है वो 1.5 लाख रुपए का रखा गया है। आपको मिनिमम यहाँ पर 2 साल सर्व करना पड़ेगा इस कंपनी को, अगर इससे पहले आप छोड़कर जाओगे तो इन्हें 1.5 लाख रुपये अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्त ITI वालों के लिए, तो यहाँ पर 1 लाख का अमाउंट है, उन्हें भी 2 साल के लिए मिनिमम यहाँ पर काम करना पड़ेगा। और जिन्हें अगर रिजर्नेशन देना है तो उन्हें 1 महीना पहले उन्हें नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद वो लीक कर सकते हैं। सो बात करते हैं दोस्त कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट, ये वेरिफिकेशन से रिलेटेड है, तो एग्ज़ाम के बाद होता है ये, सिंपली एक फॉर्मेलिटीज़ है, सिंपली सभी का हो जाता है ये क्लियर। तो चलिए आगे बात करते हैं दोस्त यहाँ पर सैलरी की, जो कि सबसे ज़्यादा खास बात है। सो दोस्त बात करते हैं अगर मेंटेनेंस एसोसिएट यानी कि प्रोग्रामिंग एसोसिएट स्टेशन कंट्रोलर ट्रैफिक कंट्रोलर जो भी था उसमें जो है वो 35,250 रुपये का यहाँ पर मंथ आपको पे किया जाएगा, कंपनी बियर कर इतने पैसे आपको अमाउंट पे करेगी पर मंथ। ट्रेन ऑपरेटर की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर 37,750 रुपये है। इस तरीके से टेक्नीशियन यानी जितने भी ITI वाले के लिए है उनको लगभग अप्रॉक्स 24,000 रुपये प्रति मंथ दिया जाएगा। ट्रेनिंग की बात करते हैं दोस्तों, अगर ट्रेनिंग में कोई कैंडिडेट्स अगर यानी कि जितना देना था उन्हें अच्छे तरीके से करना था अगर नहीं पाए जाएंगे उस तरीके से तो उनकी ट्रेनिंग को बढ़ाया जा सकता है। सो जनरली ये होता नहीं है अगर आप ध्यान से अगर करा जाए ट्रेनिंग तो। तो चलिए बात करते हैं पेमेंट के दोस्त, यहाँ पर अनरिजर्व के कैंडिडेट्स और OBC और EWS के कैंडिडेट जो हैं एक सर्विस मैन ये सारे को 500 रुपये का नॉन रिफंडेबल फ़ी पे करना पड़ेगा, उसके साथ साथ GST चार्जेस भी एप्लीकेबल है इसमें। SC ST जो हैं कैंडिडेट्स वो एग्जेम्प्टेड हैं दोस्त, तो उन्हें पे करने की ज़रूरत नहीं है। सो दोस्त आप जो इसका जो लिंक है दोस्त रजिस्ट्रेशन का और लिंक मेन साइट पर विज़िट करने का वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो आज के लिए बस दोस्त इतना ही। सो दोस्त हमारे इस चैनल पे बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी डिटेल्स अगर जिनको भी कोई क्वेरीज हो रिगार्डिंग फॉर्म फिल करने का
सो हमारे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर मैं फ्री रहा तो मैं बिल्कुल आपकी मदद करूँगा। सो, ये दोस्त है, ये कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या चाहिए आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और मेन साइट पे विज़िट करने के लिए जो भी सारे लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो दोस्त, हमारे इस चैनल को आपके हेल्प की ज़रूरत है, जैसे कि मैं आपके लिए जो भी रिक्रूटमेंट लाता रहता हूँ। सो प्लीज़ हमारे सेशन को लाइक करें जो भी, और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को इस तरह के कंटेंट के लिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।